हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे IAS हिंदी पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है इम्तियाज़ अहमद बुक की, जिसमें मॉडर्न और एंशिएंट के मैक्सिमम मैक्सिमम लेक्चर्स ले लिए गए हैं और अपलोड भी कर दिए गए हैं। और मॉडर्न एक तरह से कम्प्लीट ही हो गई है, एक दो वीडियो और आएंगे उसमें बस, और एंशिएंट में भी एक दो वीडियो और हैं, उसके बाद मेडिवल शुरू होगा। उसी के क्रम में आज हम बिहार का भूगोल शुरू कर रहे हैं, जो कि इम्तियाज़ अहमद सर की बुक है। जैसा कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है और इससे डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट 45+ क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बिना देरी कर दे किए हुए जल्द से जल्दी ख़त्म करेंगे। और हमारा टारगेट ही नवंबर तक का है, नवंबर तक में ये बुक ख़त्म करना है। साथ ही साथ आपको करंट के और जनसंख्या के वीडियो मिलते रहेंगे। जनसंख्या का वीडियो अभी कल ही अपलोड कर दिया गया है, जिसे जो ज़्यादा नहीं 13 ही मिनट का है, जिसमें आपके 2 या 3 क्वेश्चन श्योर शॉट आने ही आने हैं बिहार में। तो क्यों ना 13 मिनट का वीडियो देख के आप 3 क्वेश्चन श्योर शॉट, ये कम समय में जो आप मैक्सिमम गेन करते हैं, यही आप दूसरे लोगों से एडवांटेज लेते हैं। तो उसी के क्रम में हमारी ये सीरीज़ चल रही है, आज हम बिहार का भूगोल शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है बिहार का भौगोलिक स्वरूप। पहला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल है, जैसे अभी हमने पहले वीडियो में बता दिया गया था, 94,163। ठीक है, 94,163, जैसे मोबाइल नंबर आप याद करते हैं, BSNL का मोबाइल नंबर 94,15 होता है, वैसे इसको याद रखिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कभी कभी ऐसे दे देता है, तो 94,16 लाख हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है, कुल ग्रामीण क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है 92,358 वर्ग किलोमीटर। टोटल कितना है 94,163, और ग्रामीण क्षेत्रफल पूछेगा तो 92,358 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल है। ठीक है, ये एक की जनसंख्या जनगणना पूछ रहा है, और आपको आपको पता है कि जैसे अब 2011 का आंकड़ा आ चुका है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको एक बार सेंसस से देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम 2001 वाले क्वेश्चन हम मिस स्किप कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ऑप्शन सी है 2.86। आपको याद रखना है कि 3% से कम है, 2.86। ठीक है, रट लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो 13वां है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया, 13वां। पहले पहले इसका स्थान 12वां था, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के उपरांत इसका स्थान 13वां हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसे कि आपको पता है कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर हम इसको डिसाइड करते हैं, तो उस हिसाब से बिहार भारत के उत्तर पूर्व राज्य में, उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, स्थित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिहार राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप सबसे समीप है, तो ये आपको पता ही है कि बिहार बंगाल और उड़ीसा से अलग हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से पश्चिम बंगाल के सबसे समीप है क्वेश्चन नंबर 7। और इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन यह है कि पश्चिम बंगाल 88,752 वर्ग किलोमीटर है, और बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो आयताकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी स्टेट फॉर्मेट किसी भी किसी स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा BPSC 64 में। ठीक है, 64th हो, 65th हो, ये आने ही आने क्वेश्चन है, ये श्योर शॉट है, क्योंकि बिहार का जो भू आकृति है वो तो चेंज होगी नहीं। तो देखिए क्या है, आयताकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार का विस्तार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आना ही आना है, चाहे वो डायरेक्ट पूछे चाहे जैसे भी पूछे। ठीक है, अक्षांश पूछे देशांतर पूछे, आना ही आना है। तो ये है, इसको याद रखिए, 24, 20, 10, याद रखिए 24, 20, 10। अगर देखिए 24 है, फिर घटते क्रम में 10, 20 हुआ, फिर 10। ठीक है, 24, 20, 10 से 27, 31, 15। ठीक है, तो याद रखिए पहला वर्ड पहला वाला नंबर याद रखिए 24 है, तो वो कितना हो गया है 27। तो 24 से 27 याद रखिए, 20 से 31 याद रखिए, और 10 से 15। ठीक है, नहीं भी पूरा याद हो पा रहा है तो 24 से 27 है ये रट लीजिए, और लास्ट वाला देख लीजिए 10 और 15। ठीक है, 10 है 15 24 27 10 15, ये उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी अक्षांश देशांतर क्या है, 83 से लेके बढ़ रहा है 88 तक, 83 से 88, 19 से 17, 19 से घट रहा है, याद रखिएगा 19 से घट रहा है, सेकंड वाले में देखिए 88, 17। ठीक है, 83, 19, 50, तो वो भी घट रहा है, 83, 88, 17, 40। ठीक है, इसको रख लीजिए, 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश, 88, 13, 50 से 88, 17, 40, इसको 2-3 बार आप रटेंगे आपको याद हो जाएगा। बस इतना दो चीज़ याद रखिएगा, 24 से 27 है, 83 से 88 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है,
तो डी है 345 किलोमीटर, मस्ट है, याद रख रख लीजिए इसको, ऊपर तरफ से दक्षिण है 345, तो इसको आप एक तरह से और याद रख सकते हैं, जैसे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 345, तो उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है, बिहार से पूर्व से पश्चिम, अब पहले उत्तर से दक्षिण देख लिए 345, पूर्व से पश्चिम है तो ये है 483 किलोमीटर। अगर आप इसको 483 को बस देखें तो याद हो जाएगा कि ये बौद्ध धर्म के समय में 483 ईसा पूर्व भी इसका वर्णन किया गया था, वर्ल्ड नंबर आया हुआ था 483, तो उसको बौद्ध धर्म से जोड़ सके देख सकते हैं 483 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से तो आपको उत्तर से दक्षिण याद हो गया, पूर्व से पश्चिम याद हो गया। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या है, प्रमंडल कितने हैं 9, ठीक है। विभाजन 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी, पहले कितनी थी 13 थी, अब कितनी हो गई 9, विभाजन के बाद 9 हो गई, पहले 13 थी, याद रखिएगा दोनों चीज़। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूची सूची एक को बिहार के प्रमंडल, सूची दो प्रमंडल में जिलों की संख्या से सहसंबंधित है और इनमें कौन से बेमेल हैं, तो आपको याद होना चाहिए भागलपुर प्रमंडल में 2 जिला हैं, भागलपुर और बांका, बाकी सब में सेम है, भागलपुर वाले में 3 दिया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए 2 है, पटना में 6 है तो यहीं से रख लीजिए, पटना में 6 है, भागलपुर में 2 है, पूर्णिया में 4 है, दरभंगा में 3 है, ठीक है, पूर्णिया में 4 है, दरभंगा में 3 है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सूची को बिहार के प्रमंडल सूची से संबंधित करें, उनमें से बेमेल को देखें, ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा आप, प्रमंडल रटना चाहें तो यहीं से रट सकते हैं, जैसे भी हम लोग पीछे देखे थे पटना में 6 है तो तिरहुत में भी 6 है, ठीक है। मगध में कितना है 5 है, कोसी में क्या 3 है, मुंगेर में कितना है 6 है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए तिरहुत और मुंगेर में 6, तिरहुत मुंगेर और पटना में 6 है, तो जितने टॉप वाले हैं उनको आप याद रखिए, तिरहुत मुंगेर और पटना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या है तो ये है 3, एक बार इनको आप देख लीजिएगा, इसको भी अब हम कंप्लीट करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इनमें कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो दरभंगा प्रमंडल के जिले हैं दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बिहार के प्रमंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बिहार के प्रमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सीवान, ये गलत है, ठीक है, आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, 38 हैं, आपको पता होना चाहिए, सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में 38 जिले हैं और प्रमंडल 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, आपको चंपारण के बारे में पता होगा, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है, चंपारण के बारे में पता है क्योंकि 1917 में गांधी जी आए हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे तीन खटिया आंदोलन चला हुआ था, तो ये आंसर ए है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़े अवरोही क्रम में सजाना है, घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में, तो इसका आंसर हो गया तो डी, सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास, सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, फिर गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर, आपको पता होना चाहिए, रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, सबसे बड़ा हो गया पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा हो गया शिवहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के अब कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है, तो ये है 18 जिलों का, ठीक है, 18 जिलों का क्वेश्चन आंसर नंबर सी, आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 15 नवंबर डेट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट पूछी जाएगी, कब विभाजन हुआ था, 15 नवंबर 2000 को बिहार में विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी तो कितनी है 37, पहले 37 थी, और विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या थी 55, याद रहना चाहिए, पहले 55 थी, विभाजन हो गया 37 बची, वर्तमान में 38 है, 55 थी, 37 बची, अब हो गई कितनी 38 है, एक बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला के विभाजन उपरांत बना है, तो जहानाबाद के, जहानाबाद का विभाजन कर दिया तो क्या बन गया अरवल। बिहार का जिला किसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है, तो वह है रोहतास की, रोहतास की जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को करती है, रट लीजिए इसको, रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोहतास जिला किसको 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 टच करता है, उत्तर प्रदेश और झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो वही है पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण को, पश्चिमी चंपारण देखिए कहाँ पे है, टॉप पे है, पश्चिमी चंपारण की अगर आपको अवस्थिति याद होगी तो पश्चिमी चंपारण जिला टॉप पे है, टॉपिक क्या है, तो टॉपिक केवल अगर अंतर्राष्ट्रीय देशों की बात करें तो केवल नेपाल ही जो है बिहार से टच करता है, ठीक है, तो उसमें सबसे टॉपिक पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से टच करती है, और अगर झारखंड और उसकी बात की जाए तो रोहतास है, झारखंड और यूपी से कौन सा जिला टच करता है, तो रोहतास है। झारखंड सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही क्रम है, इसको आप देख लीजिएगा, यह क्रम पश्चिम से पूरब है, जिलों की संख्या 8 है, ठीक है, तो ऑप्शन हो गया सी, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है, सही समूह है, नेपाल की सीमा है। नेपाल की सीमा में तो आपको ऊपर बात हो गई, पश्चिमी चंपारण तो आएगा ही, तो आप इसमें डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, सब में दिया हुआ है वैसे। तो ये क्रम पश्चिम से पूरब की ओर है, जिलों की संख्या है 7, ठीक है, इसको करते हैं 7, नेपाल को करते हैं 7 और झारखंड को करते हैं 8 जिले। ये भी याद रखिएगा कि अगर नेपाल से पूछा जा रहा है तो 7 हैं और झारखंड से पूछ रहा है कितने जिले टच करते हैं तो 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही क्रम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए, उत्तर प्रदेश वाला पूछा जाएगा, 7 हैं। तो आपको याद होना चाहिए झारखंड से 8 थे, नेपाल से 7 थे और उत्तर प्रदेश से भी 7 हैं, ठीक है। ये क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक, इसको देख लीजिएगा आप। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड के अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो बक्सर नहीं बनाता है, ठीक, तो बक्सर रख लीजिए, बाकी गया जमुई नवादा झारखंड से बनाते हैं, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ऊपर वाला क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें से 8 जिले के टच करते हैं, उनको एक बार आप फिर से आप देख लीजिए, उसी में से आप एलिमिनेट कर देंगे। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है, अनुमंडल याद रखिएगा 10 है, 101, सॉरी अनुमंडल कितने हैं, 101 सुबरासी है, सुबरासी है, या रख लीजिए इसको, 101 है अनुमंडल। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, आपको अभी हमने ऊपर बता दिया था, 15 नवंबर 2000 में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, तो ये 45.85 मतलब 50 से कम 45.85, ठीक है। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत लेकर जमीन झारखंड बना था, कब बना था, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया, अब वही है डायरेक्ट ऑप्शन, 57% बच गया, नहीं सॉरी 54, 45.85 तो ले गया ना वो, तो बचा कितना, 54। बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना, बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना, तो रांची, ये तो पता है। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 199, 200 दोहरा शतक बनाने से एक कम है, 199, ठीक है। स्रोत है संसद ऑफ इंडिया 2011। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामों पर आजकल बिहार बहुत ही ज़्यादा फोकस है, पंचायती राज व्यवस्था बिहार की सबसे अच्छी है, तो बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है कितना, 44,874, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रख लीजिए, 44,874 डेफिनेटली क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम में, 44,874। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट CSC CDC, सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है कितनी, 534 सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है 534। 101 क्या था हमारे अनुमंडल थे, और 199 हमारा क्या था, 100 शहरों की संख्या, और सामुदायिक विकास प्रखंड कितना है, 534, ठीक है। बिहार में पंचायत की संख्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचायत बहुत ही फेमस टॉपिक है बिहार का, तो आपको रट लेना चाहिए। बिहार में पंचायत की संख्या है कितना, 83,000 मतलब 84 से 2 कम 83। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार समुद्र से बिहार की ऊंचाई कितनी है, तो डी 173 फीट समुद्र से बिहार की ऊंचाई कितनी है, 173 फीट। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है, रट लीजिए इसको, आगे है कितना मिनट, 15 मिनट भारतीय मानक समय से पटना का स्थानीय समय, ठीक है। निम्नलिखित देशांतर इकोनॉमी कौन से बिहार से होकर गुजरती है, तो 86 डिग्री रट लीजिए, 15 मिनट आगे है, 86 डिग्री बीच से गुजरती है, ठीक है, देशांतर रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती, स्पर्श करती है, तो आपको पहले बता चुके हैं, केवल नेपाल से टच करती है, बिल्कुल सोचना नहीं है, तुरंत मारिए आगे बढ़िए। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के ऊपर, बिहार स्थित है कर्क रेखा के उत्तर में, गुड। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, सही है, कौन सा कथन सही है, तो ये है डी, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, गुड। पहला याद रख लीजिए, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या है 3, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल, ठीक है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या है 3, देश के झारखंड उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती हैं, देखिए जैसे बता दिया गया था, सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, सोमेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग में पाई जाती है, आपको रट लेना है, तीनों चीज़ें सही है। बिहार राज्य की चौहद्दी है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, रट लीजिए इसको, उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, चौहद्दी बना रहे हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, अभी हमने ऊपर देख लिया था कि नेपाल को कौन स्पर्श करता है, तो ये है किशनगंज, पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श कर रहा है किशनगंज, रट लीजिए किशनगंज। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, 63वीं में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और यह है बिहार, ठीक है, जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल में 13वां हो गया है, 12वां नहीं है, रट लीजिए इसको, वो गलत क्वेश्चन है, पुराना था वो।
क्षेत्रफल में 13वां हो गया है और जनसंख्या में 3रा। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान दक्षिण, क्योंकि गंगा नदी पटना के बीच, मतलब बिहार से के बीचों बीच से गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, तो दो तरह के मैदान बनते हैं, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। तो ए और सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से आपको पता है कि जितना भी जलोढ़ जलोढ़ निक्षेप यहाँ सब होता है, इन्हीं से मैदान बनते हैं, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से बना हुआ है, ठीक है। और इसी में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियाँ हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको, गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि, ठीक है। दो बार इसको पढ़ेंगे याद हो जाएगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, पहले घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, ठीक है, फिर कोसी है, बागमती है, कमला है, बलान है, ठीक है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दून घाटी, रख लीजिए इसको। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा घाटी को कहा जाता है तो दून घाटी। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच की सीमा को सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो यह है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, सोमेश्वर श्रेणी बिहार और नेपाल के बीच की सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 56,980, 56,980 57,000 से कम अगर है, 20 और गंगा मैया बहा देती तो ये 57,000 हो जाता, ठीक है। तो इसको रटने की ट्रिक है, 57,000 से 20 कम, 56,980। बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, अब दक्षिणी भाग बताया जा रहा है, दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो 33,670, 33,670 वर्ग किलोमीटर, 33,670। ऊपर आपको याद होगा कि 56,980, 56,980 उत्तरी मैदान और दक्षिणी भाग में है, 33,670। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, अब मैदानी भाग पूछ लिया भैया, तो पहला 90,650, 90,650, 90,650। बिहार के क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दो आप का सही क्रम कौन सा है, अब दो आप बताना है, पश्चिम से पूर्व दो आप क्षेत्र बताना है, तो ये है पहला, पहला मतलब घाघरा गंडक दोआब, घाघरा गंडक है, गंडक कोसी दोआब है, और कोसी महानंदा दोआब है, मतलब पश्चिम से पूर्व हम बता रहे हैं, तो पहला घाघरा का है, फिर गंडक का है, फिर कोसी का है, रख लीजिए घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गंडक कोसी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, गंगा सोन दोआब कहा जाता है, मगध का मैदान कहा जाता है, अंग का मैदान कहा जाता है, ठीक है। तीनों दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, गंगा सोन है, अंग है, मगध है, तो ये दक्षिणी भाग को तीनों कहा जाता है, गंगा, अंग, मगध। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से बह रही है दक्षिण पूर्व में, ठीक है। उत्तरी भाग मैदान की हाल क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ठीक है, रट लीजिए इसको। पहले तो आपको ये बताना चाहिए उत्तरी मैदान की ढाल किधर है, तो उत्तर पश्चिम, और किस साइड है, तो दक्षिण पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से है दक्षिण की साइड, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल है, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी ढाल की ढाल है अधिक है, बिहार में पूर्वी भाग में कम ढाल है, पश्चिमी भाग में अधिक ढाल है, ठीक है, तभी तो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान का औसत ढाल है, औसत ढाल है कहाँ से, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है, तो आपको पता होना चाहिए सोमेश्वर की पहाड़ी तो होगी ही होगी, उत्तरी पूछ रहा है, और रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला दोनों ही है, सोमेश्वर है और उपरोक्त दोनों दे रहा है, तो आपको सी मानना है। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियाँ हैं, इसकी चौड़ाई है उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर तक फैली है रामनगर दून की पहाड़ियाँ, तो यह क्या है, 6 से 8 किलोमीटर तक पहाड़ियाँ हैं, इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई पूछ रहा है 6 से 8 किलोमीटर, ठीक है, 32 किलोमीटर में फैली है रामनगर दून की पहाड़ियाँ और इसकी चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं, बिहार के दक्षिणी भाग में मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो पश्चिमी चंपारण में, मस्ट है, रट लीजिए इसको, बिहार के सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण पता है उत्तर में एकदम पश्चिम साइड में, बिहार के मैप का अगर आपके दिमाग में है, तो बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, तो गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र, गंगा से पूर्व में ऊंचा टीला क्षेत्र, दियार भूमि कहा जाता है गंगा से पूर्व में
गंगा से पूरब में उत्तर ऊंचा टीला क्षेत्र। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक है नवीन मोल्दा पर्वत। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है एक नवीन मोल्दा पर्वत। आपको पता है कि शिवालिक श्रृंखला है तो ये नवीन मोल्दा है। शिवालिक श्रृंखला अभी नवीन ही श्रृंखला में मानी जाती है, ये नवीन मोल्दा पर्वत है। ठीक है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ, क्वेश्चन नंबर 70, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? दक्षिण पश्चिम समझ रहे हैं आप, दक्षिण और इस साइड पश्चिम, ठीक है, वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो यह है विंध्यन क्रम की। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? तो विंध्यन समूह की है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है चौर। चौर मतलब चौर ऐसा क्षेत्र है उत्तरी मैदान में जहाँ पानी भरा रहता है, मतलब ठीक है, जिसे आप छोटा सा तालाब कह सकते हैं ऐसा कुछ, तो उसे चौर कहा जाता है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, तो ये है दियारा। अगर कांप मिट्टी और ये सब बन रही है, मिट्टी बना रही है, तो दियारा है। अगर उसमें पानी भर जा रहा है, ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, तो उसे चौर कहा गया है। नालंदा जिले में स्थित है, नालंदा जिले में स्थित है डी, उपरोक्त सभी। नालंदा जिले में, नालंदा बहुत फेमस है और नालंदा महाविद्यालय का निर्माण कराया था कुमार गुप्त ने। और ठीक है, और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन यह है कि राजगीर की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की पहाड़ बड़ी पहाड़ी और गिरियक, ये सभी आती हैं नालंदा में, बिहार शरीफ, राजगीर और गिरियक। ठीक है, बिहार शरीफ, राजगीर और गिरियक। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ था? अब आपसे पहाड़ी पहले पूछा था, वो नवीन मोरदार है, शिवालिक के बारे में पूछ रहा था, फिर पूछा कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है। अब पूछ रहा है कब बनी थी, तो प्लीस्टोसीन काल में बनी थी, रख लीजिए इसको, प्लीस्टोसीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी आपको पता होना चाहिए, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, और सबसे सबसे सर्वोच्च स्थान है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, ए वही सोमेश्वर श्रेणी। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई है, वही सोमेश्वर के बारे में पूछ रहा है कितनी ऊंचाई है, तो यह 874 मीटर, 874 मीटर सोमेश्वर की ऊंचाई है। 874, 874 रट लीजिए, 75 से कम। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी और राजमहल पहाड़ी से पुरानी, सभी से पुरानी है। सोमेश्वर श्रेणी है तो सभी से पुरानी होगी, उपयुक्त सभी डी। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? आपको पहले पता होना चाहिए बागमती। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को, उत्तरी मैदानी खंड को पूछ रहा है, उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो बागमती। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है जिसे, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है सोमेश्वर के पहाड़ी से, पहले से बताया जा गया कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? तो इसमें है खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये गलत स्टेटमेंट है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसमें है कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। तो इसकी लोकेशन एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, अभी आगे हमारे नदी सेक्शन में आएगा क्वेश्चन। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है? बिहार राज्य की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो ये है 52.73 मीटर, 52.73, तो ऑप्शन बी हो गया, 52.73 मीटर, ऑप्शन बी। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो यह है 60 किलोमीटर तक की। रट लीजिए, सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी पर चंपारण में, और कितने बनाती है नेपाल के साथ? 60 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम था, भूगर्भिक काल में आपको पता है गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर, सबको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टाने जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टाने जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? तो यह है बांका, जमुई, नवादा। जैसे आपको पता है कि ये सब पहाड़ी क्षेत्र है, तो बांका, जमुई और नवादा में अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टान पाया जाए, बांका, जमुई और नवादा, बांका, जमुई, नवादा, बांका, जमुई, नवादा, अभ्रक प्रधान है। पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में निम्न में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है? तो यह है परतदार। ठीक है, परतदार, और पश्चिमी चंपारण में जो सोमेश्वर पहाड़ी है उसमें कौन सी पाई जाती है? परतदार चट्टानियाँ। ठीक है, क्योंकि नवीन है, ये नवीन मोल्दा पर्वत है, इनमें गलत जुड़े को पहचानी है। ठीक है, तो पहला है जिला, फिर पहाड़ी। पहला जिला है नालंदा में, कौन पाई जाती है? गिथकूट पर्वत, रट लीजिए इसको, नालंदा में क्या पाया जाता है? गिथकूट पर्वत। और मुंगेर में क्या पाया जाता है? खड़गपुर पहाड़ी। नालंदा में गिथकूट, मुंगेर में खड़गपुर, पश्चिमी चंपारण में तो कन्फर्म है सोमेश्वर की पहाड़ी, मुंगेर में खड़गपुर, दोनों पश्चिमी चंपारण में क्या, मुंगेर में खड़गपुर, मुंगेर में खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर है कहाँ है? मुंगेर में आईआईटी खड़गपुर है। नालंदा में क्या है? गिथकूट पर्वत। आईआईटी खड़गपुर है कहाँ? मुंगेर में, और गीतपुर पर्वत है नालंदा में, पश्चिमी चंपारण। तो गलत क्या है? भागलपुर में मंदार पर्वत।
चलिए थैंक यू, और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हमारा बिहार की मिता हो जाएगी और इसको हम बहुत ही जल्दी इस सीरीज़ को कवर करा देंगे। हमारा एंशियंट और मॉडर्न की सीरीज साथ ही साथ चल रही है जिसमें मॉडर्न की लगभग खत्म हो गई है, एंशियंट भी दो एक दो वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके उसके सारे वीडियोज़ देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा बिहार में कुछ भी नया नहीं आएगा, केवल आप करंट और करंट भी हमारे चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे लगातार 6-7 वीडियो में, पूरे मंथ पूरे ईयर के जो है करंट अफेयर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए पेशेंस बनाए रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स जो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि 1255 का जो आंकड़ा है वो बार बार आपको देखने को नहीं मिलेगा बिहार के नोटिफिकेशन में। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, वो कर भी रहे हैं आप,